मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट स्ट्रक्चर मैकेनिक सोम पढ़ रहे थे। दोस्तों, सोम में हम लेसन नंबर 1 ख़त्म कर चुके हैं, लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 का नाम है हमारा दोस्तों सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 2 का हमने लेक्चर नंबर 6 तक पढ़े थे। लेक्चर नंबर 6 में हम जाने थे लोड मतलब बोझ क्या होता है तथा बोझ के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में हम जाने थे। दोस्तों, आज ये लेक्चर नंबर 7 है। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम बोझ या फिर लोड के प्रकार का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा लोड है दोस्तों, अचल तथा चल भार, डेड और लाइव लोड, इसके बारे में जानेंगे। फिर अगले हम टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो इसको समझते हैं पहले क्या होता है अचल तथा चल भार। क्या होता है जो भार या बोझ सदैव अपना मान बिना बदले, ये इंपॉर्टेंट है, अपना मान बिना बदले किसी निश्चित स्थान पर क्रिया करते हैं अचल भार या बोझ डेड लोड कहलाते हैं। अचल भार ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करते हैं। इसका उदाहरण क्या है, जैसे एक स्थान पर रखी मशीन का भार, टैंकों पर धरन का भार और कॉलम पर छत का भार, खंभे तथा तार का या केबल का भार। तो दोस्तों, अब इसको समझते हैं। तो दोस्तों, हम टाइप्स ऑफ लोड में सबसे पहला जो हमारा है अचल तथा चल भार क्या होता है, तो इसको सीधा सीधा थोड़ा समझते हैं, फिर हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। अचल भार क्या होते हैं, अचल भार वे भार होते हैं जो अपना मान बिना बदले, उसका जो वेट होता है उसका बिना बदले किसी निश्चित स्थान पर क्रिया करते हैं अचल भार या डेड लोड कहलाते हैं। अचल भार ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करते हैं। अचल भार जो होता है दोस्तों, वो ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करते हैं। उसका उदाहरण क्या है, जैसे एक स्थान पर रखी मशीन का भार, कोई हमारा स्थान है उस पर जो मशीन का भार होता है वो हमारा अचल भार का उदाहरण है। फिर है टेकों पर टिकी धरन का भार, जो हमारा टेक है उसका बीम का जो भार होता है उसका भार भी हमारा अचल भार आता है। कॉलम पर छत का भार, मतलब कॉलम है उस पर जो छत का भार रहता है वो भी अचल भार होता है। और खंभे पर तार या केबल का भार, ये हमारे अचल भार के उदाहरण है। देखते हैं अब चल भार क्या होता है। यदि समय के साथ भूमि पर भार बदलता रहता है तो उसे चल भार कहते हैं। जैसे चलती हुई रेलगाड़ी बस ट्रक के पहियों द्वारा भूमि पर लगा भार, मार्गों पर क्रेन का भार बस ट्रक के पहियों का भार आदि। तो दोस्तों, अब हम इसको समझते हैं अचल और चल भार क्या होता है। अचल भार वे भार होते हैं जो अपना वेट किसी स्थान पर बदलते नहीं रहते और उनकी क्रिया नहीं बदलती रहती, और ये क्या करते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करते हैं। अचल भार सदैव ऊर्ध्वाधर मतलब 90 डिग्री पे काम करते हैं। इसका उदाहरण क्या, जैसे हमारा एक स्थान पर मशीन का भार होता है, कोई भी हमारा मशीन है वो एक स्थान पर रखा उसका जो भार होगा वो चेंज नहीं होता है, वो उसका उदाहरण अचल भार है। फिर है टेकों पर टिकी धरन का भार, जो हमारा बीम है उसका जो भार होता है वो भी अचल भार का उदाहरण है। कॉलम पर छत का भार और खंभे पर तार या केबल का भार। और चल भार क्या होता है, यदि समय के साथ साथ भूमि पर भार बदलता रहता है, और इसमें क्या होता है सदैव अपना मान बदले किसी निश्चित स्थान पर क्रिया करते हैं, वो इसमें भार नहीं बदलता है अचल भार में। और चल भार में क्या होता है, चल भार में भार बदलता रहता है। तो
उसे चल भार कहते हैं। जैसे चलती हुई रेलगाड़ी बस ट्रक के पहियों द्वारा भूमि पर लगा भार, मार्गों पर क्रेन का भार। तो दोस्तों ये थे हमारे चल तथा अचल भार। अब इसको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अचल भार क्या होता है? देखिए दोस्तों, जो समय के साथ अपना भार नहीं बदलता है उसे अचल भार कहते हैं। और चल भार क्या होता है? जो समय के साथ अपना भार बदलता रहता है उसे हम चल भार कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, इसका अचल भार का क्या है? जैसे हमारा बीम है, बीम है वो ट्रस बीम है जो कॉलम पर उसका भार लगेगा वो एक ही भार लगेगा, वो बदलता नहीं रहे। और चल भार का उदाहरण क्या है? ट्रक या बसों द्वारा जो हमारा ज़मीन पर या सड़क पर जो बल लगता है, और ट्रेन रेलगाड़ी या रेलगाड़ी का भार जो ज़मीन पर लगता है, ये सब चल भार के उदाहरण हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अचल तथा चल भार क्या होता है समझ में आ। तो अब हम दूसरा टाइप में हमारा क्या है? अक्षीय तथा अनुप्रस्थ भार। हमने अचल तथा चल भार क्या होता है इसके बारे में जान चुके हैं। अब हम दूसरा टाइप लोड के में जानेंगे अक्षीय तथा अनुप्रस्थ भार। एक्सियल और ट्रांसवर्स लोड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो समझते हैं, जो भार किसी अवयव पर या फिर किसी धारण की लंबाई के अक्ष पर तथा अक्ष के समांतर दिशा में लगे होते हैं उसे अक्षीय भार कहलाते हैं। तो दोस्तों हम टाइप्स ऑफ लोड पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ लोड में हमने अचल तथा चल भार, डेड और लाइव लोड जान चुके हैं। अब हम दूसरा टाइप जान रहे हैं अक्षीय तथा अनुप्रस्थ भार, एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड। तो एक्सियल क्या होता है पहले देखते हैं। तो जो भार किसी अवयव मतलब ज़्यादातर धरन होता है, तो या किसी धरन की लंबाई के अक्ष, क्या दोस्तों? लंबाई के अक्ष पर तथा अक्ष के समांतर दिशा में, अक्ष तथा अक्ष के समांतर दिशा में लगे होते हैं अक्षीय भार कहलाते हैं। इसको समझते हैं दोस्तों, ये हमारा बीम है, ठीक है, ये बीम है, बीम है तो बीम के अक्ष क्या होगा? अक्ष ये होगा हमारा, ये हमारा बीम का अक्ष होगा। तो जब ये परिभाषा कह रहे लंबाई के अक्ष पर तथा अक्ष के समांतर, मतलब अक्ष ये है इसके समांतर ऐसे लग सकता है बल, ऐसे भी लग सकता है, या फिर अक्ष पर ये हमारा अक्ष है ये ऐसे भी लग सकता है। ये हमारे सभी एफ हैं दोस्तों, ये हमारे सभी एफ हैं, ये हमें एफ हैं। तो लंबाई के अक्ष पर तथा अक्ष के समांतर, ये हमारी अक्ष होगी, धरन होगा, तो अक्ष के समांतर, समांतर मतलब जो समान दिशा में वो ऊपर या नीचे हो सकते हैं, तो ये समांतर बल भी लग सकता है या फिर अक्ष पर लग सकता है, तो उसे हम अक्षीय भार कहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है एक्सियल क्या होता है। जो किसी भार के या किसी धरन के लंबाई के अक्ष पर तथा अक्ष के समांतर दिशा में, ये हमारा धरन है या फिर बीम है, इसका ये अक्ष बीचों बीच हो जाएगा, तो जब इसके समांतर या अक्ष पर ही बल कार्य करेगा या फिर बोझ कार्य करेगा तो उसे अक्षीय भार कहते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा एक्सियल लोड। अब हम देखते हैं ट्रांसवर्स लोड क्या होता है। जो भार धरन की अक्ष के लंबवत अर्थात अनुप्रस्थ काट के तल पर लगे होते हैं अनुप्रस्थ भार कहलाते हैं। इसको समझते हैं, ये हमारा बीम है दोस्तों, ये जो हमारा बीम है तो इसका ये हो गया। फिर कह रहा है परिभाषा का लंबवत, मतलब जो भी भार लगेगा इसके लंबवत लगेगा, ये जो एफ लगेगा हमारा लंबवत लगेगा। इसको लिख देते हैं, ये हमारा दोस्तों अक्ष है, बीम का ये अक्ष हो गया, ये एफ हो गया, ये हमारा दोस्तों अक्ष है।
और ये हमारा बल हो गया। तो लंबवत अर्थात जब अनुप्रस्थ काट के तल में लगे तो उसे अनुप्रस्थ भार कहते हैं। जब दोस्तों हमारा किसी बीम या धरन पर जब हमारा भार अक्ष के समांतर कार्य करेगा तो उसे एक्सियल लोड कहते हैं या फिर अक्षीय भार कहते हैं। और जब हमारा बल 90 डिग्री अर्थात लंबवत पर कार्य करेगा तो उसे हम अनुप्रस्थ भार कहते हैं या फिर ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, एक्सियल और ट्रांसवर्स लोड क्या होता है। सीधा सीधा समझिए, बीम है, बीम पर जब हमारा अक्ष के समांतर कार्य करेगा बल या फिर बोझ कार्य करेगा तो उसे एक्सियल लोड कहते हैं, और जब लंबवत कार्य करेगा 90 डिग्री पे कार्य करेगा तो उसे हम अनुप्रस्थ भार या फिर ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। फिर क्या नोट क्या है, अक्षीय भार को सीधे भार, अक्षीय भार को सीधे भार, ये सीधा लग रहा है ना, अक्षीय भार को सीधे भार तथा अनुप्रस्थ भार को कर्तन भार कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते आपको अक्षीय तथा अनुप्रस्थ भार क्या होता है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं अक्षीय तथा अनुप्रस्थ भार क्या होता है। सीधा सीधा समझते हैं, देखिए अक्षीय भार क्या होता है, जब कोई बल या फिर बोझ अक्ष के समांतर, अक्ष क्या हो, किसी भी अवयव हो सकता है, अवयव में हम बीम लेते हैं, तो जब बीम के अक्ष के समांतर कोई बल कार्य करेगा तो हमारा वह एक्सियल लोड कहलाएगा, और वही बल जब लंबवत कार्य करेगा तो वो ट्रांसवर्स लोड या फिर अनुप्रस्थ भार कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सियल और ट्रांसवर्स लोड क्या होते हैं समझ में आ गया। दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के आल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर